दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही फेमस पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। द डिवाइन कॉमेडी, इसको लिखा था दांते ने। अर्ली 1300s के आसपास इसको लिखा गया था और अर्ली 1300s में इसको पब्लिश करवाया गया था। दोस्तों, इस वक्त लेट मिडिल एजेस चल रही थी, इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है लिखने की और पब्लिश करवाने की। दोस्तों, ये एक एपिक पोएम है जिसका थर्ड पर्सन ऑमनिसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है और दोस्तों इसको एक इटालियन राइम स्कीम टेर्जा रिमा में लिखा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है दोस्तों। दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि ये जो पोएम है, इसका जो पहले तीन सेक्शन है उसको बोला जाता है इन्फर्नो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्फर्नो को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ज़रा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, इस डिवाइन कॉमेडी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि ये डिवाइन कॉमेडी तीन पार्ट्स में बटी हुई है, इन्फर्नो, पर्गटोरियो और पैराडाइसो। और आज की इस वीडियो में हम लोग इस फर्स्ट पार्ट इन्फर्नो को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें दांते के सफ़र को दिखाया गया है। वो जब सफ़र करते हैं हेल से होकर के, पर्गटोरियो से होकर के पैराडाइसो यानी कि हेवन तक पहुंचने तक का सफ़र उनका दिखाया गया है। इस वीडियो में हम लोग इन्फर्नो को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो पोएम है ये बहुत ही लंबी है। दांते का एलगोरिकल वर्क है, लगभग 14,233 लाइनों में इसको लिखा गया है। और इस इन्फर्नो की शुरुआत होती है दांते की जब आधी लाइफ पूरी हो गई, यानी कि 35 साल हो गए उनकी लाइफ के। बाइबल के हिसाब से 70 साल लाइफ मानी जाती है, तो उनकी लाइफ के 35 साल हो चुके हैं। तो वो एक डार्क से अनफैमिलियर फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, यानी कि एक डार्क से जंगल में भटक जाते हैं और एक माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी इनके रास्ते में एक लेपर्ड, एक लायन और एक भेड़िया आ जाता है, तीन जानवर आ जाते हैं। तभी दोस्तों रोमन पॉएट वर्जिल की आत्मा आकर के इनसे बोलती है। आई होप आपने वर्जिल का नाम सुना होगा। तो वर्जिल की आत्मा आकर के इनसे बोलती है कि तुम कोई दूसरा रास्ता चुन लो, मेरे साथ चलो। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि दांते की एक बिलव्ड है जिसका नाम है बियट्रिस। उसने वर्जिल की आत्मा को भेजा है दांते को गाइड करने के लिए। बियट्रिस नाम है दांते की जीएफ का। तो उसने वर्जिल को भेजा है, अब वर्जिल दांते को गाइड करता है। इसके बाद दोस्तों दांते और वर्जिल ये दोनों जने हेल में एंटर होते हैं, यानी कि नर्क में एंटर होते हैं। तो ये दांते क्या देखता है कि कुछ सोल्स वहाँ पर सफ़र कर रही थी, यानी कि ये सोल्स जो थी ये न्यूट्रल सोल्स थी। इन आत्माओं ने ना तो कुछ अच्छा किया था और ना ही कुछ बुरा किया था। बाद में ये रिवर एकेरॉन के पास आ जाते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है कैरन। वो बूढ़ा आदमी कैरन सोल्स को नदी पार करवा रहा था हेल में ले जाने के लिए। तो दोस्तों, जब ये दोनों वहाँ पर पहुँचे तो उस बूढ़े आदमी कैरन ने इस दांते को नदी पार करवाने से मना कर दिया, ये कहकर कि दांते एक लिविंग सोल है, जिंदा आत्मा है, तो इसको हेल में हम लोग एंटर नहीं करवा सकते। तो वर्जिल ने इसको समझाया, कैरन को समझाया कि दांते को गॉड की परमिशन है। तो ये कैरन मान गया और इसने उसको नदी पार करवा दी। अब दोस्तों, हेल में जाने के बाद दांते कुछ ऐसी सोल्स को देखता है जिन्होंने कोई पाप नहीं किया था, और इनके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो मूर्ति पूजा करते थे। और दोस्तों, यहाँ पर ही क्लासिकल ग्रीक और रोमन लिटरेचर के, हिस्ट्री के और फिलोसफी के कुछ पॉपुलर लोग भी थे। तो इस वर्जिल ने दांते को कुछ फेमस पुराने पॉएट्स जैसे होमर, हॉरेस, ओविड और लुकन, इनसे मिलवाया। इन्होंने दांते को देखते ही इसका वेलकम किया कि आओ दांते, आओ हमारे लिटरेरी कंपनी में शामिल हो जाओ। अब दोस्तों, ये वर्जिल और दांते हेल के अभी तक पहले हिस्से से गुजरे हैं। ऐसे ऐसे करके ये 9 हिस्सों से गुजरेंगे, हेल के 9 हिस्सों से। तो दोस्तों, ये दूसरे हिस्से में जाते हैं। दोस्तों, हेल का वो हिस्सा बड़ा ही डार्क और दर्दनाक था। उन्होंने वहाँ पर माइनस को देखा। माइनस दोस्तों अंडरवर्ल्ड का जज था, मतलब ये माइनस ही तय करता था कि कौन सी सोल को कहाँ पनिशमेंट मिलेगी। इसने भी दोस्तों दांते को आगे जाने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि दांते एक लिविंग सोल था, तो इसको रोकने की कोशिश की। लेकिन वर्जिल ने इसको बोला कि अरे भाई, दांते को गॉड से परमिशन मिली हुई है तो इसको जाने दिया जाए, तो इसको आगे जाने दिया। तो दोस्तों, दांते ने आगे जा कर के क्या देखा कि कुछ सोल्स को वहाँ पर हवा में उड़ाया जा रहा था, मतलब उनको ये सज़ा मिली थी कि उनको हवा में उड़ाया जाए। और ऐसी सज़ा उन लोगों के लिए थी जिनका सिन लस्ट था, यानी कि जिन्होंने पाप किया था लस्ट का।
दोस्तों दांते ने वहां पर कुछ फेमस सोल्स को देखा और उन पर दया दिखाई और आगे बढ़ गया। आगे जाकर के ये एक फीमेल सोल से मिला जिसका नाम था फ्रांचेस्का डा रेमिनी। वो दांते को अपनी स्टोरी सुनाती है। उसका अफेयर उसके हस्बैंड के भाई के साथ था जिसका नाम था पाओलो मेलेटेस्टा। तो अब इन दोनों देवर भाभी को यानी कि फ्रांचेस्का डा रेमिनी और पाओलो मेलेटेस्टा को यहाँ पर सजा मिल रही है एक साथ। दोस्तों दांते को इनकी स्टोरी सुनकर बड़ा दुख हुआ और ये यहाँ पर बेहोश हो गया। जब ये जागा तो हेल के तीसरे हिस्से में था जहाँ पर सर्बरस नाम का तीन सर वाला कुत्ता एक मॉन्स्टर था। वो दोस्तों वो वहाँ पर पापियों को सिनर्स को पीट रहा था और खा रहा था। तो दोस्तों वर्जिल ने उसे कुछ खाने को दिया ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें। अब दोस्तों वहाँ पर दांते को चियाको नाम का एक बंदा मिला जिसको पनिशमेंट मिली थी लालच के लिए। ये आदमी फ्लोरेंस से था और इसने दांते को पहचान लिया और दांते इससे बात करने लगा। अब दोस्तों इसके बाद ये दोनों हेल के चौथे हिस्से में पहुंचे। अब इनके रास्ते में रोमन गॉड प्लूटो आ गया। तो ये वर्जिल प्लूटो पर चिल्लाकर बोला कि दांते को गॉड से परमिशन है, इसको अंदर जाने दिया जाए। अब दोस्तों हेल के इस चौथे हिस्से में दांते जमाखोरों और उड़ाऊ लोगों की आत्माओं को देखता है और साइटेक्स रिवर थी वहाँ पर, उसके एंड पर एक दलदल था, वहाँ पर कुछ लोग लड़ रहे थे तो उन लोगों को लड़ते हुए देखता है दांते। फिर फेलेगियास नाम का एक बंदा इनको दलदल पार करवाता है। फिर दोस्तों इतने में जब ये नाव में बैठे होते हैं वर्जिल और दांते, तो फिलिपो पानी में से निकलकर बोट पर आकर दांते के पास में बैठ जाता है और इससे पूछता है कि भाई तुम तो एक लिविंग सोल हो, हेल में क्या कर रहे हो। तो वर्जिल को गुस्सा आता है, वो उसको पानी में धक्का दे देता है। अब दोस्तों सटेक्स नदी पार करने के बाद दांते और वर्जिल डिस के गेट पर आ जाते हैं, DIS डिस। वहाँ पर कुछ एंजल्स का ग्रुप दरवाज़ा बंद कर लेता है इनको आगे जाने से रोकने के लिए। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर एक एंजल आकर के अपनी छड़ी से दरवाज़ा खुलवा देती है। फिर ये लोग वहाँ से पास होते हैं और आगे जाकर ये लोग एक खेत में कुछ कब्रों को जलते हुए देखते हैं। फिर दोस्तों फेरिनेटा नाम का एक बंदा आकर के दांते से बोलता है कि यहाँ पर जो सोल्स हैं वो फ्यूचर अच्छे से क्लियरली बताती है लेकिन प्रेजेंट नहीं बता पाती। इसके बाद दोस्तों ये दांते और वर्जिल ये दोनों जने पहुँचते हैं एक पहाड़ी पर। वहाँ पर पहुँचकर ये हेल के लोअर पार्ट्स को देखते हैं। तो दोस्तों ये वर्जिल दांते से बोलता है कि अभी हम हेल के लोअर पार्ट में एंटर होने जा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ही स्मेल होगी और बहुत ही गंदगी होगी, तो हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं यहीं पे ताकि हम आगे उस गंदगी और स्मेल को झेल सकें, और मैं तुम्हें नक्शा भी बताता हूँ आगे का। इसके बाद दोस्तों वर्जिल दांते को हेल के सेवंथ पार्ट में लेकर जाता है। अब इनके रास्ते में एक ऐसा क्रीचर आ जाता है जो आधा तो बुल होता है आधा इंसान होता है, वो इनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। तो वर्जिल उसकी इंसल्ट करता है और इस क्रीचर का नाम है दोस्तों मिनोटॉर। इसके बाद ये दोनों यहाँ से पास होते हैं। इसके बाद दोस्तों वर्जिल दांते को एक रिवर दिखाता है, प्लाजिथन नाम होता है शायद इस रिवर का। तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, उबलता हुआ खून, उबलते हुए खून की रिवर होती है जिसके अंदर उन लोगों को पनिशमेंट दी जाती है जिन्होंने कोई वायलेंस कमिट किया हो। और फिर नेसिस NESSUS नेसिस इन दोनों को, दांते और वर्जिल इन दोनों को ये रिवर पार करवाने में मदद करता है। इसके बाद ये दोनों दांते और वर्जिल एक डार्क फॉरेस्ट में एंटर होते हैं, एक काले घने जंगल में। तो वहाँ पर दांते पेड़ की एक टहनी तोड़ लेता है तो दोस्तों उस पेड़ से खून निकलने लगता है, वो पेड़ एक इंसान की तरह रोता है। दरअसल दोस्तों उस पेड़ में एक स्पिरिट थी एक आदमी की, पियर डेल विगन की, जो कि फेडरिक सेकंड का एडवाइज़र था और दोस्तों उसने सुसाइड कर ली थी। तो वो दांते को बताता है कि जो भी बंदा सुसाइड करता है उसकी स्पिरिट इस फॉरेस्ट में आ जाती है और एक पेड़ बनकर उगती है। फिर यहाँ पर हार्पीज आते हैं और इनके पत्तों को खाते हैं जिनसे इन पेड़ों को बड़ा दर्द होता है। तो ये एक तरीका था सजा देने का जो लोग सुसाइड करते हैं उनको। फिर दांते को यहीं पर एक झाड़ी दिखती है, वो भी एक इंसान की स्पिरिट होती है जिसके पत्ते बिखर गए थे। तो वो दांते को बोलती है वो झाड़ी कि मेरे पत्ते बिखर गए हैं, इनको समेट दो। दांते उसके पत्तों को समेटता है और आगे बढ़ जाते हैं ये दोनों। इसके बाद दोस्तों दांते और वर्जिल दोनों जने एक रेगिस्तान में पहुँचते हैं, एक डेजर्ट में।
दोस्तों उस रेगिस्तान की रेत एकदम जल रही थी और आग की वहाँ पर बारिश हो रही थी। तो उस रेत पर बहुत सारे सिनर्स चल रहे थे और लेटे हुए थे, तो ये भी एक सज़ा देने का तरीका था। और दोस्तों उन सिनर्स में कैपेनस भी था जिसने गॉड की बुराई की थी। इसके बाद ये दोनों एक रिवर के किनारे पर आ गए, जो जलती हुई रेत और आग की बारिश से वो सेफ था वो किनारा। इसके बाद दोस्तों दांते को उसके एक ओल्ड टीचर ब्रूनेटो लैटिनाई की आत्मा मिली। दोस्तों वो आत्मा दांते की एक ग्रेट फेम के लिए प्रेडिक्ट करती है। इसके बाद दोस्तों दांते को तीन नोबल आत्माएं रोकती है, ये उन तीनों के नाम हैं। वो दांते की स्पीकिंग एबिलिटी की तारीफ करते हैं और दांते को फेम पाने के लिए इनकरेज करते हैं। इसके बाद दोस्तों वो नदी से एक झरने के पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों ये झरना बहुत बड़ा था और इसी के साथ हेल का आठवां हिस्सा आता है, लेकिन ये दोनों खुद इस आठवें हिस्से में नहीं पहुंच पाएंगे। इनको इस आठवें हिस्से में पहुंचने के लिए कोई हेल्प करेगा, एक मॉन्स्टर है जरायन, जरायन नाम का, वो इनकी हेल्प करता है इस हेल के आठवें हिस्से में पहुँचने में। ये इनको हेल के आठवें हिस्से में ले गया। अब दोस्तों ये आठवां हिस्सा जो है, ये हिस्सा दोस्तों 10 गोल खाइयों में बटा हुआ है, जिन खाइयों के चारों तरफ 10 गहरी गहरी दीवारें हैं। दोस्तों ये अब इसको 10 की 10 खाइयों में से होकर के गुजरना होगा। तो ये पहली खाई में जाता है, तो वहाँ पर इसको वेनेडिको कैक्शनेमे को मिलता है। ये एक ऐसा आदमी था जिसने अपनी बहन को एक टर्की नोबलमैन को बेच दिया था। वहीं दोस्तों इसको मिलता है एक माइथोलॉजिकल हीरो जैसन, इसने कई औरतों को धोखा दिया था। इसके बाद वो दूसरी खाई में एलेसियो एंटरमाइन से मिलता है, जो कि एक चापलूस था, और एक थाइस नाम की वैश्या से जिसके बहुत सारे लवर्स थे। फिर दोस्तों ये तीसरी खाई में जाता है, इस तीसरी खाई में वो चर्च के पादरियों से मिलता है। और दोस्तों वहीं इसको पोप निकोलस थर्ड भी मिलता है, जो बड़ा गुस्से में था। उसने कुछ भविष्यवाणी की कि आने वाले पोप उससे ज़्यादा करप्ट होंगे, बहुत ज़्यादा करप्ट होंगे। चौथी खाई में दोस्तों भविष्य बताने वाले संत और जादूगर थे, वो उल्टे चल रहे थे। तो दांते इनके लिए बड़ा दुखी हुआ, तो वर्जिल बोला कि गॉड ने इनके साथ जो कुछ भी किया ठीक किया। वहीं पर दोस्तों क्लासिकल माइथोलॉजी के फेमस संत एम्फियारोस, टायर साइज और मांटो भी थे। अब दोस्तों पाँचवीं खाई में क्या होता है, डेविल्स के एक ग्रुप ने वर्जिल पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वर्जिल ने उन्हें समझाया कि गॉड ने हमें इस जर्नी की परमिशन दी है। तो दोस्तों इन डेविल्स का लीडर था मेलागोडा, उसने अपने कुछ डेविल्स को कहा कि इन दोनों की हेल्प करो। ऐसे ही दोस्तों छठी खाई में ये मिलते हैं कियफस से, जिसको क्रूसीफाई किया जा रहा था। दोस्तों सातवीं खाई में जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ पर सांप और छुपकलियाँ जो सिनर्स को डस रहे थे। इनमें वेनिफची नाम का एक आदमी भी था जिसने चर्च में चोरी की थी और गॉड के बारे में गलत कहा था, तो उसको भी यहीं पर सजा मिल रही थी। इसके अलावा दोस्तों दांते ने चार सोल्स देखी, चार आत्माएं देखी, जिनमें से तीन आदमी और एक छह पैर वाला कीड़ा। अब दोस्तों इसके बाद जब ये आठवीं खाई में पहुंचे तो दांते ने वहां पर आग की लपटें देखी। तो वर्जिल ने इसको बताया, दांते को बताया कि ये लपटें जो हैं ये सिनर्स की सोल हैं, सिनर्स की सोल्स हैं ये लपटें। इन्हीं लपटों में दोस्तों, इन्हीं सोल्स में एक यूलिसिस की सोल थी जिसने ट्रोजन वॉर लड़ा था, और डायोमिडीज की। तो दोस्तों यूलिसिस दांते को अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसका शिप डूबा। इसके बाद दोस्तों गविडो डा माउंटी फ्लेट्रो से ये मिले, जो कि एक इटालियन था, उसने एक पोप को गलत सलाह दी थी, लेकिन पोप ने इसको इसके पापों से फ्री करवाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन दोस्तों इसने अपने पापों का पछतावा नहीं किया, तो इसे यहाँ पर हेल में आना पड़ा। दोस्तों नवी खाई में ये लोग मिलते हैं मोहम्मद और पियर डा मेडिसिना से, जो दूसरे सिनर्स की तरफ भी पॉइंट आउट करते हैं। फिर दोस्तों दांते बर्ट्रेंड डी बॉन को देखता है, जिसे अपने फादर को मरवाने के लिए सज़ा मिली थी। इसके बाद दोस्तों दांते अपने एक रिलेटिव को यहाँ पर देखता है, जिसका नाम है जेरी डेल बेलो। वो दांते की तरफ गुस्से से देख रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली में किसी ने भी उसकी मौत का बदला नहीं लिया था। और दोस्तों इसके बाद दसवीं खाई में ये लोग पहुंचते हैं, जिसमें झूठे लोग थे, मक्कार लोग थे, जो खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे थे। वहाँ पर ये दो एल्केमिस्ट से मिला, दोस्तों ये उन दो एल्केमिस्ट के नाम हैं। इसके अलावा एडम से मिला, जो जाली सिक्के बनाता था, एक इटालियन था ये।
और दोस्तों इसके अलावा साइनॉन और वाइफ ऑफ पार्ट्रीफायर। फिर दोस्तों यहाँ पर लड़ाई हो जाती है तो दांते बड़ा एंटरटेन होकर के यहाँ पर लड़ाई को देखता है, तो वर्जिल उससे बोलता है कि चलो। फिर दोस्तों ये दोनों एक दीवार के पास पहुँच जाते हैं जिसके चारों तरफ टावर्स बने रहते हैं। लेकिन दोस्तों पास जाकर ये जब देखते हैं तो इनको पता चलता है कि वो तो जायंट्स हैं, मतलब कि वो तो राक्षस हैं, वो कोई दीवार नहीं है, जिनकी आधी बॉडी जमीन में धंसी हुई है। इन्हीं जायंट्स में दोस्तों एक जायंट मूव कर रहा था, एक राक्षस मूव कर रहा था, वो इन दोनों को हेल के नवे हिस्से में लेकर के गया, आखिरी हिस्से में। दोस्तों ये हिस्सा हेल का सबसे लोअर सर्कल था, यानी कि सबसे आखिरी हिस्सा। यहाँ पर दोस्तों एक जमी हुई झील थी जिसका नाम था कॉसिटस, उस पर ये नवा हिस्सा बना हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ सिनर्स को बर्फ में गाड़ा हुआ था, कुछ सिनर्स को तो गर्दन तक बर्फ में गाड़ा हुआ था, सिर्फ उनके सर बाहर थे। वहाँ पर बॉक्का डेगली एबाटी इसको मिला दांते को, उसने दांते को अपना नाम बताने से मना कर दिया, तो दांते ने उसके बाल पकड़ लिए। और दोस्तों अभी भी वो अपना नाम नहीं बता रहा था, तो किसी दूसरी सोल ने दांते को उसका नाम बताया, तो दांते ने उसको पहचान लिया, ये तो फ्लोरेंस का एक देशद्रोही था। इसके बाद दोस्तों दांते काउंट युगोलिनो और आर्च बिशप रोग्योरी से मिला। दोस्तों इस आर्च बिशप ने युगोलिनो के दोनों बच्चों को और इसको एक किले में कैद कर लिया था, जहाँ ये भूख से मर गए, और ये दोनों यहाँ पर हैं इस वक्त। इसके बाद ये दोनों दोस्तों देखते हैं लूसीफर को। दोस्तों लूसीफर जिसकी भारी सी बॉडी थी, तीन मुंह थे, तो दोस्तों दांते और वर्जिल इसकी बॉडी पर चढ़े और हेल से बाहर आ गए और एक गुफा तक पहुँचे जहाँ से रिवर लीथ शुरू होती थी। और दोस्तों हेल से बाहर आने के बाद दांते ने खुले आसमान में सितारों को देखा, चमकते हुए सितारों को देखा। और इसी के साथ दोस्तों ये हिस्सा ख़त्म होता है, इन्फर्नो ख़त्म होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।